कहते हो? औरंगजेब की औलाद नहीं हो, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो। कोई काम खुद भी कर लिया करो। गरीब की बच्ची गरीब ही बात करेगी। ये शुक्र किया कर भगवान का, तुझे इतना बड़ा घर मिला है। गरीब की बच्ची, इनके पास भाजी घर पे पंखा तक नहीं था। अच्छा? मुझे पता, शादी से पहले सड़क पे सोती थी पूरी पूरी फैमिली। मलंग? हाँ, पंखा तक नहीं था, कोई ट्रक आता था वो हवा देके जाता था इनको। मेरे खानदान के बारे में बकवास कर रहे हो, खुद के खानदान को देखा है कभी? क्या हुआ मेरे खानदान को? सिद्धू पाजी, इसका भाई पुल के नीचे बैठ के 100 रुपए में पूरे दांतों का सेट लगाता है, जबकि मेरा भाई बैंक का मैनेजर है। अरे तो तेरी माँ ने भी वहीं से दांत लगवाए हैं? इसका भाई बैंक में मैनेजर, देख लो। मैं बताता हूँ कौन से बैंक में मैनेजर। पिग्गी बैंक में मैनेजर, बच्चों के पिग्गी बैंक में। गलती से 5,000 रुपए पता नहीं कहां से मिल गया इनकी फैमिली को। बैंक में जाके जमा कराया, 5,000 जमा क्या कराया, सारी रात चौकीदार को चाय पिलाता रहा, कहता भाई सोना नहीं मेरा, 5,000 जमा है। ये तो करतूत है इनकी। इसका बाप इतना कंजूस है भाजी, पानी वेस्ट ना हो इसलिए बाल्टी में खड़ा होकर नहाता है। वही साबुन लगाएगा, वही सारा साबुन गया। इसका बाप खड़ा है, बाप निकलता है, मां घुस जाती है। मां निकलती है, उसी पानी से भाई नहा रहा होता है, वो नहाते हुए नीचे परात रख लेता है, फिर उसी पानी से फर्श धो लेते हैं। लानत है तुम्हारे। ये मैं बताऊं आपको, नई नई शादी हुई, जवाई की कितनी इज्जत होती बताओ आप? बहुत। मैं गया, इसकी मां सुबह साग, शाम को साग, रात को साग, अगले दिन फिर साग, अगले दिन दोपहर को फिर साग, अगले दिन रात को बेशर्म होकर पता नहीं क्यों पूछ रही, कहती बेटा आज आपके लिए क्या बनाए? मैं कहा मेरे को जिस खेत से ला रहे वही छोड़ा, मैं खुद चर लूंगा। फिर इसका बाप परी शादी के अगले दिन हम लोग फेरा डालने गए, चाय पानी के नाम पे सुबह पानी, शाम को पानी, रात को पानी, अगले दिन उठा मेरे अंदर से भी पानी निकलेगा। फिर मेरे को पूछ रहा है आज क्या खाएंगे, मैंने कहा भाई बात ऐसी है, पानी पीते पीते ना मेरे गले में पानी अटक गया, एक चम्मच चावल खिला दो। ठीक है कंजूस है तो क्या हुआ, तुम्हारे खानदान की जैसे तो नहीं है, गुरुद्वारे से बर्तन चुरा चुरा के तो घर का डिनर सेट कंप्लीट किया इन्होंने, चोर खानदान। आदमी जब मांगता है किससे मांगता है, भगवान से मांगता है कि नहीं? मांगता है। भगवान देता है सबको, देता है। हमने जाके डायरेक्ट ले लिया, क्या गलत किया हमने? शादी करके तो मैं फंस गई हूँ मैं। क्या नहीं देता तेरे को मैं, कितना सुख देता तेरे को, किस चीज की कमी है तुम्हें? कहाँ खुशी देते हो तुम मुझे, शादी के पहले कितने सारे गिफ्ट देता था और अब एक बिंदी तक नसीब नहीं होती। कहाँ लगाएगी बिंदी, अंगूठे जैसा तेरा मुंह है। अंगूठे जैसा मुंह है। कहाँ ना मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, अभी नया काम खोला मैंने, मैगजीन में छापूंगा मैं, इंटरव्यू छापूंगा लोगों की, काम चलेगा, पैसे भी कमा लेंगे हम लोग, गिफ्ट ही गिफ्ट। फिर तुम बताए, मैंने सेक्रेटरी भी रख ली एक। क्या? हाँ। क्यों? अरे सेक्रेटरी के पे क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, मुझे रख लेते। ओह माय गॉड, शुक्र है मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। How are you? Sir, I'm fine. Myself, Kitty, sir. Kitty? Nice to meet you, sir. Same here. ये मेरी दूर की बीवी है। दूर की मतलब जब से शादी हुई हम दूर दूर रहते हैं। हाँ, और मैं किसी को इनके नजदीक आने नहीं देती, तुम भी मत आना समझी, मैं मंदिर जा रही हूँ। ना आपकी शादी हो रही है, ना दादी की शराब छूट रही, और ना हमारे बच्चे हो रहे हैं। होए होए होए। सही कहा बुआ जी, ना तुम्हारी शादी हो रही है, ना बुआ के बच्चे हो रहे। मजाक मत करो। अरे बच्चा तो इसलिए हो रहा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा है कोई मर्सिडीज बेंज नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे मर्सिडीज तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, आपने नहीं चलानी, बिना पेट्रोल के गैराज में खड़ी कर दो। बच्चा पैदा करोगे वो तो पैदा होते दूध मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बाहर नहीं मत बनाओ, दोष या तो तुम में है या इस घर में है। हमें घर में दोष है। तो तेरे का भी बच्चा नहीं हो रहा? बच्चा नहीं हो रहा, मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही, घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो पिट्टू को नौकरी नहीं मिल रही है, बुआ की शादी नहीं हो रही है, इसे बच्चा नहीं हो रहा, उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है, और मैं तो दारू छोड़ूंगी नहीं।
Because I enjoy it. सच कह रही हूँ, बहुत दोष है इस घर में. जब से इस घर में आई हूँ मेरे घुटने दुख रहे. तो घुटने दुखेंगे इधर. किसने कहा था गांव से यहाँ तक ट्रक के पीछे लटक गया. बात को टाल मत पिट्टू, दोष तो घर में ही है. बाबा की जय. अच्छा बाबा ये बताइए, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हुई बाबा को, तुम्हारा द्वार ही बड़ा छोटा है. अबे वो द्वार नहीं है, जहाँ से तू आया रोशन दान है वो. हाँ तो वो द्वार भी बहुत बड़ा नहीं है. बिट्टू मैंने तुझे कहा था ना, इस कार में दोष है. बिल्कुल सही कहा. कौन है ये वृद्ध कन्या? करंट लगा. ये हमारी बेटी है. हमारी बेटी? मतलब मेरी बेटी है. इसकी शादी नहीं होती है ना, इसीलिए आपको बुलाया है. कदापि नहीं, हम बाबा हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई भी माल चिपका दो. हम अलीबाग से नहीं आयला है. आए हैं. नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है बाबा जी. आपके लिए नहीं है ये, आपको तो इसलिए बुलाया है कि कोई उपाय बताइए ताकि इसकी शादी हो जाए. ओ, ऐसे फिर ऐसे तरीके से बात करो ना बाबा से, ऐसे तरीके से. यस यस यस. दादी तेरे को बात बोलूं? मुझे ये तेरा बाबा ढोंगी लग रहा है, मैं तेरे को बताऊं. बिट्टू नन बालक, तू फिर बोला. इससे पहले कि बाबा तुझे श्राप देकर भस्म कर दे, दूर हो जा बाबा की नजरों से. अबे जा, तेरी चिमनी में से धुआं भी नहीं निकल रहा. चल हट. बिट्टू शांत. बिट्टू बिट्टू शांत. भालो. बिट्टू बच्चन. बिट्टू बच्चन. बाबा जी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं. चला गया. शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबा. शांति बाबा. आपको क्या बताऊं बाबा, इस घर में बहुत दोष है. जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे घुटनों में बहुत दर्द है. मैं ऐसे भी नहीं कर सकती. कोई उपाय बताइए बाबा. देखो बाबा के पास इसका कोई उपाय तो नहीं है. हाँ. बाबा 5 मिनट दबा सकते हैं घुटने. मैं क्या ला, मैं क्या ला. प्रणाम बाबा. प्रणाम. ओ अति सुंदर एवं सेक्सी. बाबा जी बहुत परेशानी है, हमें बच्चा नहीं हो रहा. बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही. शादी होगी तो फिर बच्चा होगा ना, हर काम का तरीका होता है. बाबा जी बच्चा उसे चाहिए, शादी मेरी नहीं हो रही. बाबा कंफ्यूज हो रहे हैं. देखो ये आपको बच्चा नहीं हो रहा. लो जी बच्चे का तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, बस एक बार मेरी शादी करा दो. शादी मेरी हुई पड़ी है. ओ बाबा जी एक मिनट शांत. जब तक दूध नहीं जमाओगे दही कहां से पाओगे, और जब तक प्यार नहीं करोगे सच्चा कहां से होगा बच्चा. शादी मेरी हुई पड़ी लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है. पापा जी इसकी तो शादी हो गई, मेरी तो हुई नहीं, पहले मेरी शादी करा दो. भाई देखने में तो ठीक ठाक हो. समस्या क्या है? पापा जी मैं मंगलीक हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. आप इन सबको छोड़िए ना, मेरी भी एक समस्या है. क्या समस्या है? मेरे पति का कोई काम धंधा चल नहीं रहा, इस घर में पैसे की बहुत तंगी है. आप कोई उपाय बता दो ताकि इस घर में पैसे आ जाए. हाँ जी. हाँ उपाय है. शिष्या लाओ जरा. जी ये लो धन प्राप्ति यंत्र, इससे घर में पैसे आएंगे. 5100 रुपए लाओ. दीदी दीदी. हाँ पूरा है कि ना? 5100 रुपए. ठीक है पैसे आ जाएंगे. बिल्कुल आ जाएंगे, मेरे पास आ गए ना. मेरे पास आए ना 5100. अभी आप इसको 5500 भेजो, 400 आपके पास आ जाएंगे. 3000 का यंत्र 5100 में दे रहा है. अरे इसके साथ जेएमजे का मिक्सर ग्राइंडर भी तो फ्री है. पापा जी के पास हर